देखिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता, हमने तो इसे पहले भी हमारी विधानसभा में भी कई जगह छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांगी करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता अंतर विरोध। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक SKR की धारा में है, कोई तीसरी धाराएं भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी बनाते हैं, जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप शनाप बातों की अफवाह भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें चलो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप अफवाह क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है। और हम बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं, हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट पूरे जोबन से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं, इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है तो हो सकता 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होगी वो शायद कम हो पाएंगी, शहरी विधानसभा उस समय हमारी होंगी। क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहाँ सभाएं कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है और शायद 9 या 10 को विड्राल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है, डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। न केवल बूथ लेवल तक बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं, 60 वोटों को संभालने वाला एक हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारी एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इसी कारण से देश में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की चुनाव वाले चाहे स्टेट्स हो चाहे अन्य हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज्यादा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस मेहनत से हमारा नेतृत्व, हमारे नेता, हमारी नियत, हमारी नीति, इनके हिसाब से हम चल रहे हैं, लगातार हम इस अपने प्रथम स्थान को बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, राजनीति के मामले में सिरसा लोकसभा सीट जो है उसकी बड़ी मतलब काफी मतलब जितनी राजनीतिक पार्टियां उनकी निगाह सिरसा में है, क्या लगता है सर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती यहाँ पर कुछ लगे? कोई चुनौती नहीं है, निगाह तो सबकी सब पर रहती है और केवल बाकियों की रहती है, हमारी भी निगाह रहती है, उनकी सब सीटों पर हमारी भी निगाह रहती है। चुनाव चुनाव है, इसलिए सबकी निगाह सब पर रहनी भी चाहिए। क्योंकि चुनाव में एक बहुत बड़ा मंथन होता है देश भर में, यानी लगभग 70-80 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे। हरियाणा में भी 2.82 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ के आसपास 1.95 करोड़ समथिंग इतने वोटर्स हैं। तो इन वोटर्स को हर कोई चाहेगा कि हमको ज्यादा मिले, तो दूसरों पर भी ध्यान रखेंगे, अपने पर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन विश्वास यह है कि जनमत आज मोदी जी के साथ खड़ा है, जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए उस जनमत को भी हम निश्चित दिन वोटर मशीन तक आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इसमें 2 जीत का हम लोग ध्यान कर रहे हैं, एक जीत होती है लोकतंत्र की जीत, एक होती है पार्टी की जीत। लोकतंत्र की जीत ये होती है कि कितना ज्यादा मतदान हुआ, ये लोकतंत्र की जीत है। हम चाहेंगे कि देश में 90-95% लोग मतदान करें, क्योंकि पिछली बार तो लगभग
70-72 रह गया था, हम और बढ़ाएंगे। हमारा हर कार्यकर्ता लगा है कि मतदान अवश्य करिए। दूसरा है पार्टी की जीत, कि जो मतदान हो उसमें से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, वो होगी पार्टी की जीत। दोनों जीत को सामने रखते हुए हम चल रहे हैं।